यह संसार एक सरोवर की भांति है और इस संसार रूपी सरोवर के किनारे उतरी पक्षियों की कतारें अपने अपने समय पर उड़ जाती हैं। इस सरोवर में खिले कमल भी मुरझा जाएंगे, यही नहीं एक दिन यह सरोवर भी सूख जाएगा। यह अनित्यता की खबर है इस संसार की, कि इस संसार रूपी सरोवर के किनारे जीव रूपी पक्षी ही नहीं उड़ जाते, बल्कि एक दिन यह सरोवर भी सूख जाता है। कहने का अर्थ है कि यहां सब कुछ बदल रहा है, अनित्य है, और इस अनित्य जगत में यह एक सरोवर की भांति है जो किसी दिन भी सूख जाएगा, और जितने भी यहां यह जीवन दिखाई दे रहा है, जितने भी यहां जीव दिखाई दे रहे हैं, यह भी एक पक्षियों की भांति हैं जो कतार लगाकर सरोवर के किनारे पानी पीने के लिए आए हैं, और अपने अपने समय पर यह उड़ जाएंगे। यह जीवन इतना ही है, यह बहुत छोटा जीवन है और अनित्य है। इसको सत्य और शाश्वत समझने का भ्रम त्याग देना चाहिए। यह संसार चलाचली का मेला है। कई लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, कई लोगों को हम छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां नित्य जैसा कुछ भी नहीं है। यह पतझड़ की ऋतु जैसे आती है तो वन के सभी वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसी तरह यहां मृत्यु की आंधी निरंतर चल रही है, और इस संसार रूपी वन में इंसान, हैवान, पशु, पक्षी सभी पत्ते पल पल झड़ते चले जाते हैं। कभी ध्यान करना चाहिए, इन बातों को गहरे में अपने मन में बैठा लेना चाहिए कि यह जीवन वास्तव में है क्या और यह संसार है क्या। इस संसार रूपी वन में तलाश करके देख लो, कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं मिलेगा जिसके पत्ते सदा कायम रहते हो, और यह मृत्यु हर स्थान पर पहुंच जाती है। दुनिया का कोई भी कोना मृत्यु की पहुंच से बाहर नहीं है, कोई मृत्यु से नहीं बच सकता। आयु दीर्घ हो सकती है, जैसा बुद्ध कहते हैं कि वृद्धावस्था तो निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है। हम जो भी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उनके कारण हमारे कर्म हैं। अपने अनुभव से ही हम कुशल कर्म करते हैं और अपने अनुभव से ही हम अकुशल कर्म करते हैं। उसी के अनुसार जीवन में सुख दुख जुड़ा हुआ है। जीवन की सारी गतिविधि हमारे कर्मों से ही जुड़ी हुई होती है, इसलिए हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी बनकर अपने भाग्य का स्वामी या भाग्य का निर्माता बन जाता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। हमें मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना, दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह भावना जब मजबूत हो जाएगी तो कर्म का आधार बन जाएगी। और वाणी से किसी को कटु, कठोर, अनर्गल बकना, झूठ बोलना, निरर्थक बोलना नहीं बोलना चाहिए, और शरीर से चोरी, व्यभिचार, हिंसा नहीं करनी चाहिए। मन ही मुख्य है, मन ही प्रधान है,
और कोई भी व्यक्ति अपने मन को निर्मल करके मन, वाणी और शरीर से कुशल कर्म करता है तो उसके जीवन में सुख ऐसे ही पीछा करता है जैसे कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया पीछा करती है। मनुष्य की छाया उसका पीछा करती है, इसी तरह जीवन में सुख पीछा करता है। किसका पीछा करता है? उस व्यक्ति का जो मन से, वाणी से और शरीर से कुशल कर्म करता है, अच्छी भावना रखता है। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु अच्छी भावना रखता है और भिक्षु कुशल कर्म करता है जो लोक हित में होते हैं। भिक्षु अपना स्वार्थ नहीं देखता और यह कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली छाया मनुष्य के साथ साथ चलती है। अगर उसके कुशल कर्म हो तो उसे उसका फल मिलता है, उसका अच्छा ही होता है। आगे बुद्ध कहते हैं कि चंदन हो या तगर, कमल हो या बेले जूही के फूल हो, इन सभी की गंध से शील की गंध सर्वोत्तम है। इनकी गंध अल्पमात्र है, क्षणिक है, मगर शीलवानों की सुगंध सर्वोत्तम है। फूलों की गंध तो हवा की दिशा में ही बहती है, लेकिन शील की सुगंध हवा के विपरीत दिशा में भी बहती है। जो शीलवंत है उनका एक ऑरा होता है, वह खींचता है, वह अपनी ओर खींचता है। इसलिए तो बुद्ध पुरुषों के पास सब खींचे हुए चले जाते हैं। कोई राजा हो, कोई भिखारी हो, कोई नीची जाति का हो, कोई ऊंची जाति का हो, कोई बहुत ही कुख्यात अंगुलीमाल हो या कोई गणी का आम्रपाली हो, सब खींचे चले जाते हैं। जैसे जब दीपक जलता है तो पतंगे उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। यह एक इस जीवन का, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है बुद्ध पुरुषों के लिए कि जैसे ही कोई दीपक जलता है तो पतंगे उस तरफ बिना बुलाए खींचे चले आते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। जान गंवा देते हैं का अर्थ क्या है कि वह फिर बुद्ध पुरुषों के ही हो जाते हैं, उनकी फिर दुर्गति नहीं होती, उनकी सदगति होती है, वह परम लोक पहुंच जाते हैं और इस संसार सागर से वह मुक्त हो जाते हैं। यही तो बुद्ध पुरुषों की महिमा है, यही तो उनकी सुगंध है, यही तो उनके दिए की लौ है, उनकी रोशनी है कि उनमें मनुष्य रूपी पतंगा खींचा चला आता है। तभी बुद्ध कहते हैं शील की सुगंध सर्वोत्तम है। शील के बिना व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता और समाधि नहीं फलित होती। एक तरफ मन, वाणी और शरीर से कुशल कर्म करना, दूसरी ओर शील नहीं होने के कारण मन में विकार उत्पन्न हो रहे हों तो वह बहुत देर तक दबे नहीं रह सकते। किसी भी दिन वह बांध टूट जाएगा और एक साधक को इस बात पर बड़े गहरे में विचार करना चाहिए कि किसी भी दिन वह बांध टूट जाएगा और बहुत बड़ा विनाश कर जाएगा, उससे स्वयं की ही हानि होगी और दूसरे की भी हानि का कारण बन जाएगा। इसीलिए हम बाहर से की गई आचार व्यवहार की अच्छी बातें, बुद्धि से की गई बातों को मान तो लेते हैं और बहुत अच्छा समझते हैं, मगर व्यवहारिक दुनिया में कब हम शराब के प्याले को पकड़ लेते हैं, बियर के प्याले को पकड़ लेते हैं, अंडा मांस खा लेते हैं और
फिर हम अपनी दलील भी देते हैं कि कंपनी में तो करना पड़ता है, कंपनी है। और वही हमारी हमारे शील भंग का कारण बन जाता है, मन पतित हो जाता है और मन में उठ रही हलचल बिल्कुल ही विरोधी बात है एक उस व्यक्ति के लिए जो ध्यान भी करना चाहता है और किसी दिन उसने शराब के प्याले को पकड़ लिया। कंपनी कहकर करना पड़ता है, लोक लाज लोक व्यवहार की बात है कहकर, लेकिन उसे पता नहीं कि उसका मन कितना हिल गया। और एक तरफ वो विपस्सना ध्यान समाधि की बातें कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन जिस दिन भी उसने नशे को अपने मन के साथ जोड़ लिया, उस दिन उसका मन कितना हिल गया और वह प्रमादवश कितने गहरे में कितना पतित हो गया, यह उस व्यक्ति को नहीं पता चला। वह उसको बहुत हल्के में ले रहा है, वह उसको सोच रहा है कि कुछ भी तो नहीं हुआ। इसीलिए हमें संग साथ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। एक साधक का जीवन बिल्कुल ही अलग होता है। एक साधक के जीवन में कभी भी इन सारी चीजों के लिए कोई जगह नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हर नशे करने वाले को, शराब पीने वाले को, तंबाकू सिगरेट गुटखा खाने वाले को पता है कि यह जानलेवा है, मगर जब इच्छा जगती है तो वह अपने को रोक नहीं पाते, क्योंकि मन को काबू करने की प्रैक्टिस नहीं है। और जब युक्ति हाथ लग जाती है तो फिर वह मन पर काबू करना सीख जाते हैं और अकुशल कर्म स्वतः ही खत्म होने लगते हैं और कुशल कर्म बढ़ने लगते हैं। सारे रोगों की जड़ मन है, सारी समस्याओं की जड़ मन है। इसलिए जब ध्यान का अभ्यास करना होता है मनुष्य को, तभी उस ध्यान के अभ्यास से मानसिक सुधार होता है। अच्छी भावना यानी मानसिक साधना मन को निर्मल करने का अभ्यास करना होता है, अच्छी भावना करनी होती है। समाधि के अभ्यास को समथ भावना कहा जाता है और प्रज्ञा की भावना को विपस्सना भावना कहा जाता है। समाधि के तीन अंग हैं जिनकी हमने पहले कभी बात की है पिछली वीडियोस में, सम्यक व्यायाम, सम्यक एकाग्रता या जागरूकता और सम्यक समाधि। जब चित्त एकाग्र होता है, चित्त एकाग्र करना होता है, तो उसके लिए सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ है आनापान सति का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन करना होता है। और जब जागरूकता बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे वह कुशल कर्मों को, फिर उसको करना नहीं होता, फिर कुशल कर्म ही पैदा होते हैं। फिर वह जो भी करता है कुशल ही करता है। क्यों? क्योंकि जागरूकता गहन होने लगी है और जागरूकता इस बात का संकेत है कि ध्यान अच्छा चल रहा है। जागरूकता इस बात का संकेत है कि मन रुकने लगा है। अब उन पैदा हुए अकुशल कर्मों का प्रहार होने लगता है, उनका अस्तित्व खत्म होने लगता है, जो अकुशल कर्मों की छाप मन पर पड़ी है वह धीरे धीरे मंद होने लगते हैं, उनका वेग उनका तेज कम होने लगता है। इसलिए फिर अकुशल कर्म नहीं होते। जागरूकता बढ़ती है तो मनुष्य ठहर जाता है, ध्यान रखता है कि कौन सा अकुशल कर्म है, इसको करने से क्या होगा, और कुशल कर्म कौन सा है, उसके करने से क्या होगा। यहीं से जागरूकता के सहारे वह कुशल कर्म करता है और अधिक कुशल कर्म करने लगता है,
और कुशल कर्मों को विकसित करके पूर्णता तक ले जाता है। फिर वह व्यक्ति, जैसे बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु कुशल कर्म ही करता है, उससे अकुशल कर्म नहीं होते, उसका स्वभाव ही कुशल कर्म करने वाला हो जाता है। वह फिर अच्छा ही करता है और लोक कल्याण के लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। और सम्यक स्मृति घटित होती है अनापान सति के जरिए, ध्यान के जरिए वर्तमान में रहने की जागरूकता बढ़ती है। और लंबे समय तक जागरूकता बनी रहे तो काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेष, इनका प्रहार हो जाता है, इनकी गति कम हो जाती है, इनका तेज, इनका वेग कम हो जाता है, ये मंद पड़ जाते हैं। अब व्यक्ति के अंदर जब भी मोह जगता है, वह उसको भरी आंख देख लेता है, अपने सामने देख लेता है। क्रोध जगता है, वह उसको देखता है कि मेरे अंदर क्रोध जग रहा है और मैं देख रहा हूं। और जैसे ही क्रोध को देखा जाए तो व्यक्ति फिर क्रोध कर नहीं सकता। यही तो ध्यान की खूबी है कि जैसे ही व्यक्ति ध्यान में गहरा उतरने लगता है और उसके अंदर वर्तमान में रहने की जागरूकता लंबी होने लगती है, उसको अपने सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सब दिखाई देने लगते हैं, अपने आंखों के सामने दिखाई देने लगते हैं। और वह फिर उन पर हंसता है, फिर वह करता नहीं। जब उसे उसके सामने दिखाई देने लगते हैं तो वह उनको दूर कर देता है, हंसता है कि अरे तुम फिर सामने आ गए, लेकिन अब वो बहुत जागरूक है। यही तो एक गहरे में अभ्यास करने वाले भिक्षु की गति है, वो बहुत गहरे में जागरूक हो जाता है और इन सारे विकारों को अपनी आंखों के सामने देखता है और इनसे मुक्त हो जाता है। इसीलिए समस्त बुद्ध पुरुष कहते हैं कि काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेष को छोड़ने में ताकत मत लगाना। जितनी ताकत इनको छोड़ने में लगाई जाएगी, उतनी ताकत को ध्यान में लगाना। जैसे जैसे ध्यान घटने लगेगा, एकाग्रता बढ़ने लगेगी, इनका प्रहार होने लगेगा, इनका तेज खत्म हो जाएगा, इनका बल खत्म हो जाएगा, या फिर ऐसे ही हो जाएंगे जैसे किसी सांप के मुंह से विष की थैली को निकाल लिया जाए, वह विष वाला दांत निकाल दिया जाए, फिर वह विष नहीं फेंकता, फिर वह डंक नहीं मारता, आगे पीछे घूमते रहता है। देखते हैं ना आप कि सांप को गले में लटका कर घूमते हैं लोग, जो मांगते हैं सांप को दिखाकर मांगते हैं, सांप को गले में लटका लेते हैं और दूसरा व्यक्ति डर रहा होता है और जल्दी से पैसे निकाल कर भागता है, दूर जाता है कि कहीं ये सांप को मुंह पे ही न लगा दे, आगे न लगा दे, कहीं ये सांप काट न ले। लेकिन अज्ञानता देखो मनुष्य की, वो यह नहीं समझता कि इस सांप का विष निकाल दिया गया है, तभी तो यह गले में लटका कर घूम रहा है। इसी तरह जो व्यक्ति गहरे ध्यान में उतरता है, उसके यह सांप रूपी विष की जो थैली है, यह अपने आप ही निकल जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, यह सब ऐसे ही हो जाते हैं जैसे बिना विष के सांप हो जाता है। सांस एकाग्रता प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है, बुद्ध ने कहा, अनापान सति योग। इससे मन निर्मल होता है और साधक साधना में आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे उसकी जागरूकता वर्तमान में
बहुत लंबी और बहुत गहरी होने लगती है, उसके अंदर सम्यक समाधि का जन्म होता है। जागरूकता ही निशानी है वर्तमान में रहने की, गहरी प्रैक्टिस ही निशानी है कि सम्यक समाधि कितनी गहरी होने लगी है। सम्यक समाधि का अनुभव तभी घटित होता है जब सम्यक स्मृति का जन्म हो जाए, और सम्यक स्मृति वर्तमान में रहने की कला है, वर्तमान में गहरे गहरे में डुबकी लगाने की कला है। जब अनापान सति योग से जागरूकता लंबी होगी तो सम्यक समाधि के अनुभव होने लगेंगे। मन शुद्ध, स्थिर और गंभीर हो जाता है, प्रफुल्लता मन की बढ़ने लगती है। देखा ना, बुद्ध को कुछ भी नहीं है अपने पास, उसके बाद भी उनकी शांति, उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रमुदितता, उनका मैत्री भाव, समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव। एक पागल हाथी भी सामने आ जाता है, वो मैत्री भाव करते हैं, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव, तो पागल हाथी नतमस्तक हो जाता है। यह बुद्ध पुरुष की सम्यक समाधि का प्रताप है। हमें गहरे में इन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, यह करके ही होगा। यह सिर्फ पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बातें नहीं है, अगर करेंगे तो यह आपके जीवन में उतरने लगेगा, हमारे हम सबके जीवन में उतरने लगेगा। तब हम यह इस बात को बहुत गहरे में, हमारे अंदर यह सच्चाई प्रकट होगी कि जैसे जैसे सम्यक समाधि गहरी होने लगती है, सांस बहुत छोटी होने लगती है, कई बार तो पकड़ने में भी नहीं आती। मन शांत, धैर्य इतना गहरा, इतनी गहरी एकाग्रता कि कहीं कोई पत्ता भी अगर गिरे, कहीं कोई चींटी भी चले, तो उसकी भी आवाज सुनाई पड़ती है। इतने गहरे में ध्यान घटता है। बुद्धि की तकनीक में ध्यान की कई अवस्थाएं हैं। धीरे धीरे अभ्यास करके साधक एक के बाद दूसरी अवस्था में पहुंचता है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होने लगता है, वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है, अपने को समस्त दुखों से, समस्त सुखों से ऊपर उठा लेता है। सुख और दुख अब उसके जीवन में नहीं होते, वह उनसे ऊपर उठ जाता है। गहरी समाधि घटित होती है। लेकिन जब तक मनुष्य इस अवस्था में नहीं है, उसके गिरने की सारी संभावनाएं हैं। यह मन बहुत ज्यादा कठोर है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। द्वेष करने वाला द्वेषी या दुश्मन के साथ कुछ भी कर सकता है। यह मन इसी तरह है, यह सोचता रहता है, इसमें उसका भला क्या होगा यह तो पता नहीं, लेकिन जीव की दुर्गति हो जाती है। और जो भी मनुष्य इसके ट्रैप में आ जाता है, द्वेष करने लगता है, क्रोध करने लगता है, इसमें उसका भला क्या होगा उसे नहीं पता, लेकिन और दूसरे का वो क्या बुरा कर देगा, जो भी बुरा कर दे, लेकिन उसका चित्त खुद कितना गलत रास्ते में लग जाता है, वह खुद ही अपने चित्त का दुश्मन हो जाता है, अपने जीव का दुश्मन हो जाता है, और यह जीव इतने प्रमाद में गहरे चला जाता है कि जो भी यह प्रयास करता है, यह प्रयास इसके विफल होने लगते हैं। इसलिए निरंतर पल पल अपने को अवलोकन करना है, इस मन से जूझना है, इससे लड़ाई लड़नी है, और यह लड़ाई इतनी आसान नहीं जितना हम समझते हैं, जितना एक साधक जो कर्म
कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया, कभी शिविर ज्वाइन कर लिया, कभी फिर वहाँ प्रतिज्ञा ले ली, घर आकर कभी भूल गए, कभी आज टाइम नहीं मिला, आज बारात में चले गए, आज किसी पार्टी में चले गए, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज बहुत थके हुए हैं। यह मन के जो भी इस तरीके की, यह मन नए नए तरीके से भुलाता जाता है, नए नए आडंबर सामने रखता है, नए नए चीजों को सामने रखता है कि आज ऐसा हो गया इसलिए नहीं हो रहा है, कल ऐसा हो गया इसलिए नहीं हो रहा है। इसके बहानों को समझो, किसी भी साधक को इसके बहानों को समझना चाहिए, और जब भी यह इस तरीके के बहाने बनाए उस दिन और ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। मन को कह देना चाहिए कि आज तुम्हारे बहाने ज्यादा चल रहे हैं तो आज ज्यादा अभ्यास होगा। इस तरह से एक भिक्षु अपने जीवन को, अपने मन को, अपने मन से जूझता है, अपने मन से लड़ाई करता है, अपने मन को ध्यान में लगाता है। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में जितना भला माता पिता या सगे भाई बंधु नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। देखो यह बुद्ध के वचन कितने गहरे हृदय में बैठाने जैसे हैं, कि सबसे ज्यादा भला कौन सोचता है? जो माँ बाप हैं, भाई बंधु हैं, जो सगे हैं, वह सबसे ज्यादा भला सोचते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि एक ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त सबसे अधिक भलाई करता है जीव की। क्यों? क्योंकि अगर वह चित्त गलत रास्ते पर लग गया तो वह उस जीव की दुर्गति कर देता है, उसको नरक की यातनाओं में डाल देता है और बार बार इस कर्म और फल के जंजाल में फंस जाता है जीव। इसलिए देखो यह बुद्ध के वचन कितने, यह स्वर्णिम वचन है, इनको बहुत गहरे में हृदय में उतारना चाहिए कि संसार में जितना भला माता पिता या सगे भाई बंधु नहीं करते, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। क्यों क्यों करता है, कभी सोचा? गहरे में सोचो, ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त इस भवसागर से मुक्त कर देता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि माता पिता जितना भला सोच लें भला, भाई बंधु कितना ही भला सोच लें भला, लेकिन किसी जीव को मुक्त नहीं कर सकते, इस संसार भवसागर से, इस आवागमन के दुख से मुक्त नहीं कर सकते, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन एक सही मार्ग पर लगा हुआ चित्त, एक ध्यान में लगा हुआ चित्त, एक बुद्ध पुरुष की शरण में लगा हुआ चित्त उस जीव को परम लोक तक पहुंचा देता है, परम निर्वाण करवा देता है। इसलिए यह सब चित्त का खेल है। अच्छे चित्त से अच्छे कर्म होते हैं और बुरे चित्त से बुरे कर्म होते हैं, जो नरक गामी बना देते हैं। इसीलिए बुद्ध आगे कहते हैं कि जो वीर्यवान है, दृढ़ संकल्पित है, प्रज्ञावान है, पंडित है, संसार से भय देखने वाले हैं, भिक्षु हैं, वह सील पर प्रतिष्ठित होकर चित्त को ध्यान समाधि की भावना में लगाते हैं और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जंजाल को काट देते हैं, इन जटाओं को काट देते हैं। जटाएं कौन सी हैं? ये संसार की जटाएं जो बार बार उलझा देती हैं, संसार में फंसा देती हैं। बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा की भावना करते हुए चित्त अगर ध्यान में लगा हो, समाधि में लगा हो, तो इस संसार के जंजाल को काट देता है। इसीलिए शील पर प्रतिष्ठित होकर चित्त को प्रज्ञा के अनुसार बताई गई समाधि और विपस्सना की भावना करनी चाहिए, गहरी समाधि में उतरना चाहिए,
गहरा ध्यान करना चाहिए, तभी यह संसार का जाल कट सकता है। यहां बहुत गहरे में यह जीव अब फंस चुका है। यह जंजाल, यह जटाएं अब बहुत गहरी में उलझा देती हैं। इससे फंस कर निकलने का एक ही तरीका है, जो बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वीर्यवान है, प्रज्ञावान है, पंडित है, संसार से भय देखने वाला है, वह एक एक कर्म को फूंक फूंक कर करता है। क्यों? क्योंकि वह इस संसार से भय देख रहा है कि यहां दोबारा फंसा जा सकता है। उसे पता है यह दुंदर किस तरह से पीछे पड़े हुए हैं, यह मन और यह मन के विकार किस तरह से पीछे पड़े हुए हैं। एक भिक्षु बहुत गहरे में इन बातों को समझता है, इसीलिए वह प्रज्ञा की भावना को करते हुए चित्त को ध्यान और समाधि की भावना में लगाता है। हमें भी बुद्ध के उपदेशों को गहरे में मनन करते हुए ध्यान में उतरना चाहिए। और जैसा बुद्ध कह रहे हैं कि संसार से भय देखने वाला होना चाहिए, ताकि अब दोबारा इस संसार की जटाओं में नहीं उलझना पड़े। इस संसार से परम लोक की यात्रा करनी हो है, और यह कब होगा? जब हम ध्यान करेंगे और निरंतर ध्यान करेंगे। बुद्ध कहते हैं तब तक ध्यान करते रहना है जब तक कुछ करने को शेष न बचे, यानी जब तक गहरी समाधि घटित न हो जाए, जब तक चित्त साफ न हो जाए, चमकदार न हो जाए, जब तक चमक न आने लगे, तब तक ध्यान करना है।